हम सिरोही के निकट नादिया गांव के उस ऋषेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचे हैं जो गुफा के अंदर है। बहुत बड़ी गुफा है और गुफा के अंदर ऋषेश्वर महादेव का मंदिर। इसका बहुत बड़ा इतिहास, त्रेता युग से इसके प्रमाण हैं। पद्म पुराण में जिस तरह से प्रमाण है, हमारे यहाँ पंडित जी विराजमान हैं, जो पिछले जो इनकी पीढ़ी पिछले 500 साल से पूजा कर रही है। सबसे पहले तो मैं पंडित जी को प्रणाम करता हूँ और एक बार इसके इतिहास के बारे में थोड़ा हम भक्तों को बताएं कि क्या है यहाँ का इतिहास। पंडित जी, निवेदन, आप जो ये जनोई देख रहे हैं भगवान के ऊपर, जी जी जी, हो हो हो, बिल्कुल, ये प्राकृतिक जनोई है जी, और ये स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू शिवलिंग, जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे जी, उस समय में ये शिवलिंग स्वयंभू प्रकट हुआ। हाँ, फिर कृष्ण भगवान ने इनकी स्थापना करके इनका नाम दिया ऋषेश्वर महादेव। ऋषेश्वर, क्योंकि जामन जी जो थे जी, ओ हो हो, जामन जी का भी बहुत सुंदर सा धन्य है, धन्य है, धन्य। जामन जी ऋषों के राजा थे, ऋषों के राजा थे, इसलिए भगवान का नाम भी ऋषेश्वर महादेव, ऋषेश्वर महादेव पड़ा, बिल्कुल, ताकि जामन जी का नाम भी अमर रहे। बहुत सुंदर। पंडित जी, आपका शुभ नाम क्या है? हिम्मत राम। हिम्मत राम जी, आप नादिया विराजते हैं और 5-10 पीढ़ियां आपकी इस सेवा में लगी हुई है और इस मंदिर का बहुत इतिहास है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ की, अगर हम गुफा को देखें या दिखाने की कोशिश करें तो बहुत लंबी गुफा है, उधर से नीचे से चढ़ते हैं और सुंदर मार्ग है। ये यहाँ ये बताया जा सकता है कि ये बहुत प्राकृतिक है, रमणीक है, सिद्ध है और इसका बहुत पुराना इतिहास है और बहुत चमत्कारी मंदिर है। ये अभी आप बता रहे थे कि त्रेता युग में जब जामन जी थके नहीं तो उन्होंने फिर इच्छा प्रकट की कि भगवान मुझे अभी और लड़ना है, और उसके बाद द्वापर में स्वयं जब कृष्ण के अवतार में आए तब फिर वो मणि के विषय में जब विवाद हुआ और उनमें मल्ल युद्ध हुआ। कितने दिन युद्ध हुआ स्वामी जी? 28 दिन युद्ध हुआ और आखिर वो भगवान थे, ये भक्त थे, और अंत में उनकी जो बेटी थी जामवंती जी से उनका विवाह का होना, ये सब ऐसे घटनाक्रम हैं जो हमको गौरव करना चाहिए कि हम उस भूमि के ऊपर हैं जहाँ साक्षात परमात्मा को आना पड़ा, आते रहे हैं और उनकी प्रस्तुति, उनकी उपस्थिति साक्षात यहाँ मौजूद है। मजी, बहुत आज आपने अच्छी जानकारी दी, और आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भगवान भक्त जी ज्यादा से ज्यादा यहाँ आए और भगवान का आशीर्वाद ले, बिल्कुल हमारी इच्छा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और हमारी देव दर्शन जो यात्रा है उसमें ऋषेश्वर महादेव के मंदिर के बिना ये यात्रा पूरी नहीं हो सकती। उधर वो है जिनके बारे में आप बता रहे थे जहाँ फेरे जी। ये क्या है? ये जो स्तंभ है, स्तंभ है, प्राकृतिक स्तंभ है। मैं भक्तों को ये दिखाना जरूरी समझ रहा हूँ। देखिए, हमारी इस पूरी यात्रा में हमारे साथ भाटी साहब हैं, ये वो स्तंभ है, प्राकृतिक स्तंभ, जहाँ पर विवाह हुआ था जामवंती के साथ भगवान श्री कृष्ण का। तो हम इस कि हम परिक्रमा लगाते हुए, ये कितना रमणीक जगह है, कितनी प्राकृतिक जगह है, और ये सिरोही की धरोहर है। यहाँ देखिए काफ़ी अच्छा है, व्यवस्थित है, और यहाँ आपको कोई किसी तरह का शोरगुल सुनाई नहीं देगा। ये हमको भी झुक के जाना पड़ रहा है, ऐसी गुफा बहुत कम मिलती है। और ऋषेश्वर महादेव का ये बहुत सुंदर मंदिर जहाँ सुबह शाम हर दिन पूजा आरती होती है, ये देखिए काफ़ी बड़ी गुफा है, और इस गुफा से हम नीचे जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम एक बार धुने के दर्शन कर लें। और इस धुने बहुत बहुत सुंदर नज़ारा, यहाँ फिर एक साधना स्थली,
यहाँ बड़े बड़े संतों के, जो आबू के संत हैं उनके नाथ, ऐसा लगता है कि तमाम नाथ संप्रदाय के सिद्धों ने यहाँ तप किया है। आदेश आदेश। गुफा यहाँ से ऊपर जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ से? यहाँ से। यहाँ से भी गुफा ऊपर जाती थी? गुफा ऊपर जाती है। हाँ हाँ, वहाँ कहते हैं कि गोपीचंद राजा ने यहाँ तपस्या की थी। ओ हो हो, अभी तो बंद है वो मार्ग? खुला है आज। अच्छा अच्छा, ओहो, राजा गोपीचंद जी ने भी यहाँ तप किया। कमाल, अद्भुत अद्भुत, ऐसी अद्भुत गुफा की यहाँ एकदम बिल्कुल शांति, यहाँ पता ही नहीं चलता कि इधर क्या है। धन्य है। देखिए आज हिम्मत जी के सहयोग से हम ओ हो, ये बहुत अद्भुत नजारा हम देख रहे हैं आज। और यहाँ महाराजा गोपीचंद भर्तृहरि हुए हैं, तो गोपीचंद जी ने तप किया। और देखिए इस पूरी गुफा का सुंदर नज़ारा, ये फिर ऊपर से थोड़ा खुली है और ऊपर जा रही है गुफा आगे, ऊपर जा रही यहाँ से ये नज़ारा। ओ हो 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 हो, कितना कितना खूबसूरत स्थान है ये ऋषेश्वर महादेव। ऊपर भी? हाँ। बस ऊपर का मार्ग बंद होगा? नहीं, चालू, आइए। ऊपर ऊपर जाने का है? हाँ हाँ है। क्या बात, धन्य है धन्य है पंडित जी। ओहो, यहाँ तप किया था, यहाँ पर तपस्या की थी गोपीचंद राजा ने। जी 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 जी, ये दोनों थोड़ा व्यवस्थित किया है। जी जी जी, ताकि यहाँ बैठ के उन्होंने तपस्या की थी। आदेश आदेश आदेश, अलग पुरुष को आदेश। ये बहुत तपोभूमि है सिरोही देवनगरी, और यहाँ संसार के जो जितने भी सिद्ध हुए हैं, ऐसा मैंने सुना है कि उन सिद्धों की तपस्या तभी पूर्ण होती थी जब वो इस देवभूमि देवनगरी धर्मनगरी में आके साधना करते थे। और आज हमको बहुत आनंद आया ऋषेश्वर महादेव के इस महान तीर्थ में, और यहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। देखिए हम प्रवेश कहीं से हुआ था, निकले कहीं हैं, और ये बहुत खूबसूरत नज़ारा हमको सुकून दे रहा है। और अब हम इस पहाड़ी से एक और व्यू दिखाना चाहेंगे। ये यहाँ का सुंदर नज़ारा, ये बिल्कुल ये हरी भरी पहाड़ी है जहाँ धोके और तमाम पेड़ हैं, और ये सामने लहलहाते खेत। और इसी के साथ इस यात्रा को बोलो ऋषेश्वर महादेव की जय।